नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार ई सफलता प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ हिंदी के छायावादी भाग के अगले पार्ट की। छायावादी का हम पहला भाग लोड कर चुके हैं, आज हम छायावाद का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हैं। ये वस्तुनिष्ठ हिंदी डॉक्टर पूरन चंद टंडन द्वारा लिखित प्रश्नोत्तर हैं। आइए आज हम बात करते हैं 105 से। तो पहला प्रश्न हम देखेंगे 105 आज के सेशन का, भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। यहाँ भाषा, भाव और छंद तीनों स्वच्छंद हैं, किसकी पंक्तियाँ हैं? नंदलाल वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद निराला। 105 का आपका चार सही है, निराला। 106, छंद की मुक्ति की बात निराला ने अपने किस काव्य संग्रह की भूमिका में कही है? गीतिका, अनामिका, परिमल, नए पत्ते। 106 का आपका तीन सही है, परिमल। प्रश्न 107 देखेंगे। प्रश्न नंबर 107, प्रश्न 107, काला और बूढ़ा चांद पंत जी की किस विधा की रचना है? काव्य, निबंध, उपन्यास, समीक्षा, बताइए। 107 का पहला सही है, काव्य। 108, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वंदन में हुई लीन, किस कविता की पंक्तियां हैं? तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, पल्लव, वीणा, बताइए। 108 का दो सही है, राम की शक्ति पूजा। आइए प्रश्न 109 देखते हैं। प्रिय आनंद छंद तुम मेरे आत्मा के स्वर, किसकी पंक्तियां हैं? पंत, निराला, राम कुमार वर्मा, जयशंकर भट्ट। 109 का पहला सही है, पंत। प्रश्न 110 चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका, पर्व में जैसी उस पावन तन की शोभा अलोक मधुर थी ऐसी, ये पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं? कामायनी, प्रेयसी, जूही की कली, आंसू, बताइए। 110 का आपका चार सही है, आंसू। 111 प्रश्न नंबर 111 धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, किस काव्य रचना की पंक्तियां हैं? तुलसीदास, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, प्रेयसी। 111 का आपका तीन सही है, राम की शक्ति पूजा। 112 पाखंड प्रतिषेध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, नगेंद्र पंत। 112 का आपका पहला सही है, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 113 खलेगा प्रकाशवाद जिसको हमारा यह, कहेंगे कुवाद वे जो लेंगे सह सारे हम, किसकी पंक्तियां हैं? राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, प्रसाद, बताइए। 113 का आपका दूसरा ऑप्शन सही है, रामचंद्र शुक्ल। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित काव्य रचनाओं के रचयिताओं के नाम बताइए। आइए पहली काव्य रचना देखते हैं, युगपथ, किसकी रचना है? पंत, रामचंद्र शुक्ल, निराला, दिनकर, बताइए। 114
114 का आपका पहला सही है पंत। 115 बभ्रुवाहन किसकी रचना है? उदय शंकर भट्ट, प्रसाद राम कुमार वर्मा, जनार्दन प्रसाद झा। 115 की जो ऑप्शन है वो सही है आपका दो, प्रसाद। 116 चित्र लेखा किसकी रचना है? अज्ञेय दिनकर, राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट। 116 बताइए, 116 का 3 सही है राम कुमार वर्मा। आइए 117 देखते हैं, प्रश्न 117 यामा किसकी रचना है? बाल मुकुंद गुप्त, महादेवी वर्मा, दिनकर महादेवी, बताइए। 117 तो आप लोगों ने लगा लिया होगा, 117 यामा किसकी है? महादेवी वर्मा। 118 शोकोच्छ्वास किसकी रचना है? प्रसाद की, बच्चन की, रामचंद्र शुक्ल की, महादेवी की, बताइए। 118 का आपका पहला सही है प्रसाद। 119 उत्तरा किसकी रचना है? पंत, निराला, उदय शंकर भट्ट, जनार्दन झा। 119 का पहला सही है आपका कि उत्तरा पंत जी की रचना है, सुमित्रानंदन पंत की। आइए 120 देखते हैं, प्रश्न 120 दीप शिखा किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा, महादेवी, निराला, प्रसाद। 120 का आपका ऑप्शन दो सही है, महादेवी दीप शिखा। 121 रूप राशि किसकी रचना है? आरसी प्रसाद सिंह, केदार नाथ मिश्र, वियोगी हरि, एक सेकंड। 2 प्रश्न की बात करते हैं, रूप राशि किसकी रचना है? आरसी प्रसाद सिंह, केदार नाथ मिश्र, वियोगी राम कुमार वर्मा, बताइए। 121 इसके पहले थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। 121 का 4 सही है आपका राम कुमार वर्मा। 122 विसर्जन किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, दिनकर, उदय शंकर भट्ट। 122 का आपका ऑप्शन 4 सही है, उदय शंकर भट्ट। प्रश्न 123 आइए, 123 निर्माल किसकी रचना है? हाँ, निर्माल किसकी रचना है, बताइए। 123 का आरसी प्रसाद सिंह, पंत, मोहनलाल महतो, वियोगी प्रसाद। 123 बताइए, 123 का आपका कौन सा सही है? तीसरा, मोहनलाल महतो। 124 गुंजन किसकी रचना है? निराला, पंत, महादेवी, आरसी प्रसाद सिंह। 124 का आपका दो सही है पंत। 125 रश्मि किसकी रचना है? महादेवी, दिनकर, राम कुमार वर्मा, पंत, बताइए। रश्मि 125 का आपका पहला सही है महादेवी। 126 लोकायतन किसकी रचना है? पंत, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा, अज्ञेय। 126 का आपका पहला सही है ऑप्शन लोकायतन पंत की रचना है। आइए 127 देखते हैं, प्रश्न 127 अतिमा किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, पंत, निराला। 127 बताइए, 127 का आपका 3 सही है श्रीधर, सॉरी पंत, यानी 3 सही है पंत। 128 अरिमा
किसकी रचना है? पंत, निराला, दिनकर, बच्चन, बताइए किसकी है? 128। 128 का आपका दो सही है, निराला। 129, मधु स्त्रोत किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल, बच्चन, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, बताइए। 129 मधु स्त्रोत, बताइए। 129 पहला सही है आपका, किसकी है? रामचंद्र शुक्ल। 130 लहर किसकी रचना है? पंत, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, प्रसाद। 130 का आपका चार सही है, किसके हैं? प्रसाद की। आइए 131 देखते हैं। 131 युगवाणी किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सॉरी रामचंद्र शुक्ल, दिनकर, उदय शंकर भट्ट, बताइए किसकी है? 131। 131 का पहला सही है, युगवाणी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। नेक्स्ट 132 देखेंगे, ये रही 132। निहार किसकी रचना है? प्रसाद, महादेव वर्मा, पंत, निराला। 132 बताइए। 132 का आपका दूसरा सही है, महादेवी वर्मा की रचना है। ये प्रश्न सरल जरूर लग रहे होंगे, लेकिन जब ये प्रश्न पत्र में आते हैं तो वहाँ धोखे से गलत हो जाते हैं, तो इसलिए अभ्यास करने के लिए बहुत अच्छे प्रश्न हैं। आइए 133 देखते हैं, पल्लव किसकी रचना है? पंत, भगवती चरण वर्मा, बच्चन, राम कुमार वर्मा, बताइए। 133 का पहला सही है, पंत, यानी सुमित्रानंद पंत की है। आइए 134 प्रश्न देखते हैं, हो जाने दे गर्क नशे में, मत पढ़ने दे फर्क नशे में, ज्ञान ध्यान पूजा पोथी के, फट जाने दे वर्क नशे में, किसकी पंक्तियां हैं? हरिवंश राय बच्चन, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, नरेंद्र मेहता पंत, बताइए। 134 134 का आपका दूसरा सही है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन। ये आप धोखे से हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला मत समझ लीजिएगा, ये प्रश्न इसका दो सही है, 134 का दो। आइए प्रश्न 135 देखते हैं। 135 हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्ति है? नरेंद्र शर्मा, बच्चन, नवीन, भगवती चरण वर्मा, बताइए। 135 135 का आपका चार सही है, भगवती चरण वर्मा। 135 के बाद 136 निम्नलिखित में से कौन प्रेम और मस्ती का काव्य की काव्य धारा का कवि नहीं है? प्रसाद, बच्चन, शमशेर शुक्ल, सॉरी रामेश्वर शुक्ल, अंचल जिसे कहते हैं, और नरेंद्र शर्मा, बताइए। 136 136 का पहला सही है, प्रसाद। 137 प्रथम गीति नाट कौन सा माना जाता है? करुणालय, आंसू, ज्योत्सना, रजत शिखर। 137 137 का आपका दो सही है, आंसू। नेक्स्ट 138 प्रश्न 138 छायावाद की प्रथम कृति कौन सी मानी जाती है? झरना, जूही की कली, पल्लव, गीतिका, बताइए। 138 138 का पहला सही है, झरना। 139 महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? निर्जा, निहार, सांध गीत, रश्मि। 139 दूसरा सही है, निहार। 140 रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला। 140 140 का आपका तीसरा सही है, सुमित्रानंदन पंत, किसके अनुसार है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार।
141। गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मधुकर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी। 141। 141 का आपका दूसरा सही है लोचन प्रसाद पांडे। 142। कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य किसने माना? नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा। 142। 142 का आपका पहला सही है नंदुलारे वाजपेयी। 143। प्रसाद की अंतिम कहानी कौन सी है? सालवती, ग्राम, प्रतिध्वनि, आकाश दीप, बताइए। 143। 143 का आपका पहला सही है सालवती। 144। प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है? गोदान, मंगलसूत्र, प्रेमाश्रय, गबन, बताइए। तो ये है आपका मंगलसूत्र दूसरा सही है 144 का। आइए प्रश्न 145 देखते हैं। 145 देखते हैं। निम्न में से कौन प्रमुख गांधीवादी कवि है? जयशंकर प्रसाद, पंत, सियाराम शरणगुप्त, माधवी वर्मा। 145। 145 का आपका तीन सही, सियाराम शरणगुप्त। प्रश्न 146। 146 एक सेकेंड, हाँ 146 आपका ये रहा, ये दीजिए प्रश्न 146। हाँ आइए देखते हैं। निम्न में से छायावाद का घोर समर्थक पत्र कौन सा है? माधुरी, कल्याण, जागरण, हंस। 146 का तीन सही है जागरण। 147। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस काव्य संग्रह पर मिला? नीरजा, निहार, यामा, सांदगीत। 147 का तीन सही है यामा। 148। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? रेणुका, उर्वशी, संस्कृति की चार अध्याय, हुंकार। 148। 148 का दो सही है उर्वशी। 149 प्रश्न देखते हैं। 149। निराला की किस रचना को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छापने के लिए मना कर दिया था? राम की शक्ति पूजा, जूही की कली, प्रेयसी, अणिमा। 149 बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है 149। तो आप लोगों ने इसका ऑप्शन समझ लिया होगा, दूसरा जूही की कली। 150। निराला के प्रिय कवि हैं कबीर, तुलसी, भारतेंदु, जायसी। 150। 150 का आपका दूसरा ऑप्शन सही है तुलसी। 151। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि कौन है? तुलसी, कबीर, भारतेंदु, घनानंद। 151 का पहला सही है आपका तुलसी। देखिए निराला के भी तुलसी हैं और और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भी। आइए 152 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 152। मधुमती भूमिका की स्थापना किसने की? श्याम सुंदर दास, आचार्य शुक्ल, नगेंद्र, रामकुमार वर्मा। 152। 152 का आपका पहला सही है श्याम सुंदर दास। 153। महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, दिनकर, तुलसी प्रसाद। 153। 153 का आपका पहला सही है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 154। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा? आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, रमेश कुंतक मेघ। 154।
154 का आपका ऑप्शन दूसरा सही है, नगेंद्र। 155 155 सॉरी 155 यहाँ पर है, थोड़ी ऊपर गिरते हैं। हाँ अब देखिए 155, कामायनी को फैंटेंसी किसने माना? मुक्तिबोध, इंद्रनाथ मदान, रमेश कुंतल मेघ, नंदुलारे वाजपेयी। 155 155 का आपका ऑप्शन पहला सही है, मुक्तिबोध। 156, एक फूल ही चाह किसकी कविता है? एक फूल ही चाह किसकी कविता है? माखनलाल चतुर्वेदी, नरेंद्र शर्मा दिनकर, सियाराम शरण गुप्त। 156 बताइए, 156 का आपका चार सही है, सियाराम शरण गुप्त। 157, आंसू की बालिका किसकी कविता है? बताइए, आंसू की बालिका, जयशंकर प्रसाद, निराला पंत, महादेवी वर्मा। 157 बताइए, 157 का आपका ऑप्शन तीसरा सही है, पंत। 158 आइए देखते हैं, 158 प्रश्न, 158, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है किसकी पंक्ति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रसाद रामचंद्र शुक्ल, पंत। बताइए 158, 158 का आपका दूसरा सही है, प्रसाद। 159, मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का कोई अधिकार नहीं, किसका कथन है? प्रेमचंद, निराला, डॉक्टर नगेंद्र, महादेवी वर्मा। 159 बताइए, पहला सही है, प्रेमचंद। 160, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, बाल कृष्ण भट्ट। 160 160 का आपका ऑप्शन चार सही है, बाल कृष्ण भट्ट। 104 के बाद देखेंगे, सॉरी 160 के बाद देखेंगे 161। आइए ये रहा आपका 161 प्रश्न। 161, खुल गए छंद के बंद किसकी पंक्ति है? खुल गए छंद के बंद किसकी पंक्ति है? पंत, निराला, रामचंद्र शुक्ल, भगवती चरण शर्मा वर्मा। बताइए 161 161 का आपका पहला सही है, पंत। 162, छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, किसकी परिभाषा है? यानी छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, नंदलाल वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, मुकुटधर पांडे। 162 162 का आपका दो सही है, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 163 प्रश्न आइए 163 देखते हैं। 163, उर्वशी चंपू काव्य के रचयिता हैं? दिनकर, प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, निराला। 163 का आपका दो सही है, प्रसाद। 164, रूप तरंग किसकी काव्यकृति है? रामविलास शर्मा, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, पंत। 164 का आपका पहला सही है, रामविलास शर्मा। 165, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है किसका कथन है? आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, प्रसाद। 165 का आपका दूसरा सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 166, कामायनी को मानवता का रसात्मक महाकाव्य की संज्ञा किसने दी? आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, महादेवी वर्मा। बताइए 166
166 का आपका पहला सही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 167 प्रश्न 167 देखेंगे। छायावाद का पतन किसकी रचना है? नंदलाल वाजपेयी, देव राज दिनेश, रामविलास शर्मा, इंद्रनाथ मदान। 167 बताइए। 167 का दो सही है देवराज दिनेश। 168 सीकर किसकी काव्य कृति है? बच्चन, दिनकर, महादेवी प्रसाद। 168 168 का आपका तीन सही है ऑप्शन महादेवी। 169 वन मिलन काव्य रचना के रचयिता कौन है? मदन मोहन, मदन लाल महतो बियोगी, आरसी प्रसाद सिंह, उदय शंकर भट्ट प्रसाद। बताइए कौन सही है। 169 का चार सही है प्रसाद। 170 देखेंगे प्रश्न 170। निराला की तुलसीदास कृति की विधा क्या है? नाटक है, उपन्यास है, खंडकाव्य है, महाकाव्य है। बताइए 170 170 का आपका तीन सही है खंडकाव्य। 171 प्री प्रवास किस तरह का काव्य है? रामकाव्य, कृष्ण काव्य, निर्गुण भक्ति काव्य, सूफी काव्य। बताइए 171 171 का दो सही है आपका कृष्ण काव्य। 172 हुक्के का धुआं किसकी कविता है? सुमित्रानंदन पंत, दिनकर, प्रसाद, निराला। 172 का पहला सही है सुमित्रानंदन पंत। 173 पंत को छायावाद का जनक माना, इलाचंद जोशी, नगेंद्र, राम कुमार वर्मा, नंदुलारे वाजपेयी। बताइए 173 173 का आपका चार सही है नंदुलारे वाजपेयी। 174 प्रसाद को छायावाद का जनक किसने माना, इलाचंद जोशी, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 174 का आपका पहला सही है इलाचंद जोशी। 174 के बाद 175 174 आपको बता दिया पहला सही है 174 का। 175 छायावाद में कायिक भावनाओं का पिष्ट पेषण होने की बात किसने कही? राम विलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, नगेंद्र। बताइए 175 175 का दो सही है आपका रामचंद्र शुक्ल। 175 के बाद आइए देखते हैं 176 प्रश्न 176 तुलसी भी करते कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। ये किसकी पंक्ति है बताइए? मैथिली शरणगुप्त, जयशंकर प्रसाद, तुलसी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 176 176 का आपका पहला सही है ऑप्शन मैथिली शरणगुप्त। 177 आइए 177 अरुण यह मधुमय देश हमारा किसकी काव्य पंक्ति है? प्रसाद, पंत, महादेव वर्मा, मैथिली शरणगुप्त। 177 का पहला सही है आपका प्रसाद। 178 वियोगी होगा पहला कवि, आय से उपजा होगा गान, यह किसकी पंक्ति है? आरसी प्रसाद सिंह, पंत, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा। 178 का आपका दो सही है कौन है? पंत। नेक्स्ट
179 छायावाद युग की किस विधा के आधार पर प्रसाद युग का नामकरण हुआ? नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी। 179 का पहला सही है नाटक। नेक्स्ट 180 देखेंगे। प्रश्न 180, प्रसाद के पूर्ववर्ती नाटककार हैं हरि कृष्ण प्रेमी, प्रताप नारायण मिश्र, मोहन राकेश, जगदीश माथुर, बताइए। 180 का आपका दूसरा सही है प्रताप नारायण मिश्र। 181 होगा फिर से दुर्धर्ष समर, जड़ से चेतन का निशी वार सर, बताइए। किस काव्य रचना की पंक्तियां हैं? तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, पंचवटी प्रसंग, सरोज स्मृति। 181 का आपका पहला सही है तुलसीदास। 182 आइए प्रश्न 182 देखते हैं। 182 प्रश्न, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना थे बना था, चेतना एक बिलसती, आनंद आखंड घना था, किसकी पंक्ति है? पंत, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद निराला। 182 का आपका तीन सही है जयशंकर प्रसाद। आइए 183 देखते हैं। प्रश्न 183, किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेश, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित के, ये किस काव्य रचना की पंक्तियां हैं? भारत भारती, कामायनी, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास। 183 का आपका दूसरा सही है कामायनी। 184 काव्य में रहस्य कोई वाद है ना ऐसा, जिसे लेकर निराला जी कोई पंथ ही खड़ा करें, किसकी काव्य पंक्तियां हैं? निराला, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, पंत। 184 का आपका दूसरा सही है रामचंद्र शुक्ल। 185 अपने ही सुख दुख के रंग में रंग कर प्रकृति को देखा तो क्या देखा, मनुष्य ही सब कुछ नहीं है, प्रकृति का अपना रूप भी है, किसकी पंक्तियां हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। 185 का आपका चार सही आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 186 देखेंगे। आइए 186 प्रश्न 186 रविंद्र कविता कानन जिस विधा की रचना है, यानी किस विधा की रचना है? समीक्षा, कविता, नाटक, एकांकी। 186 का आपका पहला सही है समीक्षा। 187 पंत और पल्लव किसकी कृति है? नंदलाले वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा, निराला, पंत। 187 का आपका तीसरा सही है निराला। प्रश्न 188 अमंगल के स्थान में मंगल शब्द किसकी निबंध कृति है? रामचंद्र शुक्ल, नंदलाले वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, चंद्र शर्मा गुलेरी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, नगेंद्र। 188 का आपका दो सही है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 189 निम्न में से हिंदी शब्द सागर के संपादक थे? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, नगेंद्र, अग्गे। 189 पहला सही है रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट 190 शशांक अनूदित उपन्यास के रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, प्रेमचंद्र, बधाई।
190, बताइए 190 का आपका दूसरा सही है रामचंद्र शुक्ल। 191, उमर खयाम की रुबाइयां के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त, बच्चन, निराला, रामचंद्र शुक्ल। 191, 191 का आपका पहला सही है मैथिली शरण गुप्त। 192, रविंद्र कविता कानन के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर, पंत, निराला, शरतचंद्र चटर्जी। 192, 192 का आपका तीन सही है निराला। 193, आइए देखते हैं 193, निम्न में से कौन सी निराला जी की व्यंग प्रधान कविता है, सरोज स्मृति, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता। 193, 193 का आपका चार सही है कुकुरमुत्ता। 194, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध के संपादक कौन है, महादेव वर्मा, गंगा प्रसाद पांडे, प्रसाद नगेंद्र। 194, 194 का ऑप्शन दो सही है आपका गंगा प्रसाद पांडे। 195, पंत जी की कृति ज्योतिषना की विधा है काव्य, काव्य नाटक, नाटक, उपन्यास। 195, 195 का आपका दूसरा ऑप्शन सही है काव्य नाटक। प्रश्न 196, 196, प्रथम आयाम किसकी आरंभिक रचना है, जयशंकर प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा, निराला। 196, 196 का आपका तीसरा ऑप्शन सही है महादेवी वर्मा। 197, बुद्धिचरित किसकी रचना है, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन, महादेवी वर्मा। 197, 197 का आपका दूसरा सही है रामचंद्र शुक्ल। 198, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि, नगेंद्र, गुलेरी जी, बताइए किसका है। तो आपने लगा लिया 198, 198 का पहला सही है रामचंद्र शुक्ल। आई 199, प्रश्न 199, काव्य कला तथा अन्य निबंध किसकी निबंध संग्रह हैं, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, बताइए 199, 199 का आपका दूसरा सही है जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 200, रसग रंजन किसकी रचना, किसका निबंध है, बताइए रसग रंजन किसका निबंध संग्रह है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरियावत, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, बताइए। प्रश्न 200, पहला सही है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये थे आपके आज के भाग के 100 प्रश्न। अगले दिन अगले भाग में यानी तीसरे भाग में मैं 201 से लेकर के 300 तक प्रश्न कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।